रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के रामा विहार स्थित संतोषी माता मंदिर पर, जहां पर नवरात्रों के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम के कर्ता धर्ता शिवा दादू। शिवा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू। जो आज ये कार्यक्रम किया है आपने, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सोच है? इसके पीछे ये उद्देश्य है कि अहिंसा परमो धर्म वाले देश में आज हिंसा चरम सीमा पर है। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता भी, देवताओं का भी वास होता है। हमारे जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, कल्चर, उसमें औरत को बहुत मान दिया गया है। तो पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए करुणा संजोने वाली इस महाप्रकृति को नारी कहते हैं। ये नारी ही आदि शक्ति की छाया है। जब निराकार ब्रह्म की सुहृदयता, वात्सल्यता, करुणा आदि की जब पुष्टि नहीं हुई, तब वही आदि शक्ति नारी रूप अवतरित हुई। तो ये नवरात्र जो है उसी आदि शक्ति के लिए मनाए जा रहे हैं, सारी दुनिया मना रही है, और उसी का ये उत्सव किया गया है। यहाँ पे बहुत से सिंगर आए हैं और अपनी अपनी सब हाजिरी लगा रहे हैं, अपने अपने तरीके से माता को मना रहे हैं, रिझा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, नाच कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही कलाकार और आप जैसे और भी शुभचिंतक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी माता का बहुत तहे दिल से ये नवरात्रि का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? पायल ने फांडा। पायल जी, आज के इस युग में इस तरह के धार्मिक आयोजन कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इनफैक्ट लोग जो हैं वो समझने लग गए हैं कि बस पार्टीज, डीजेज, यही सब होता है। बट मैंने आज यहाँ शिवाजी ने मुझे बुलाया है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे माँ के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला है। हम जो हैं, हम कहते ज़रूर हैं कि नारी सब कुछ है, लेकिन हम नारी का आदर करना भूल चुके हैं। आज मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा है कि लोग पार्टीज़ में जाके इंजॉय करते हैं, मैंने यहाँ माता रानी के प्रोग्राम में आके इतना इंजॉय किया है ना। थैंक यू सो मच टू शिवाजी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप भी कार्यक्रम के आयोजक में हैं, क्या उद्देश्य है इस तरह के धार्मिक आयोजन करने के पीछे? सबसे पहले नमस्कार, मैं संजय ठाकुर आदिशक्ति के तरफ से मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो आगंतुक हैं, जो भी आज इस नवरात्र में दूसरे दिन जो आए और अपना योगदान दिया माता रानी के चरणों में, उनके लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बेसिकली ये हमारे माता रानी का जो आदि शक्ति के रूप है, जो अहिंसा पर विजय पाने वाले, जो कभी इन्होंने अपने अपने पराक्रम से कभी, मतलब कि जो सत्यानाशी जो कार्यक्रम होता था, जो मतलब अहिंसा वाली काम कर रहे थे, उनको इन्होंने ख़त्म किया था। आज हम सभी भूल गए हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इनको पूजा पाठ करते हैं और उनको मतलब कि आराधना करते हैं, उन्हीं के पक्ष चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हैं। और हम उसी के रूप में, हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं और उसके लिए भजन कीर्तन करते हैं। हमें जहाँ जितना हमें आनंद भजन कीर्तन में आता है, वहाँ पे हम डीजे पार्टी ये सब तो खैर वैसे ही इंटरटेनमेंट है, लेकिन असली जो अपना हमारा कर्म, हमारा धर्म जो है, हमारा बेसिकली यही है जो माता रानी के चरणों में हम अरदास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा योगी राज। जो आज ये आपने कार्यक्रम किया है, इसका आयोजन किया है जी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको ना भूले और आगे भी इसी तरीके से सारे कार्यक्रम होते रहें, ताकि हमारी जो पीढ़ियाँ है वो सभ्यता के साथ आगे बढ़ती रहे। बहुत सुंदर संदेश। आप कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह के धार्मिक आयोजन कितना ज़रूरी है आज के इस कलयुगी दौर में? अभी के टाइम पे तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो संस्कृति है, वो हर जगह हर घर में होनी चाहिए, ताकि आगे हमारी संस्कृति बढ़ते रहे। आप क्या कहें? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ एनी से, बिल्कुल सही बोला है। आज के टाइम में बच्चे फ़ोन में ही ज़्यादा बिजी हैं, उनको ऐसे माहौल में लाना चाहिए, इनके लिए जागरूक करना चाहिए जी, कि माता रानी है, अपने कल्चर को अपनाना चाहिए।
ताकि नॉलेज हो, ताकि वो आगे भी इसको बढ़ोतरी करें। बस थैंक यू, बहुत बहुत जय माता। आप और कोई बोलना चाहेंगे? आप क्या शुभ नाम आपका? शुभांगी शर्मा। शुभांगी जी, आज के इस दौर में इस तरह के कार्यक्रम कितना ज़रूरी हैं धार्मिक आयोजन? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में, क्योंकि जैसा कि एक मैम ये खड़ी है यहाँ पे, इन्होंने बोला था कि आज के टाइम में हर कोई ये बोलता है कि हाँ नारी का सम्मान बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई नहीं करता है, सब लोग भूल चुके हैं और नारी को एक उस नज़र से देखा जा रहा है कि लाइक, जैसे कि मतलब मैं आपको क्या ही बोलूं, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भगवान को कि मैं एक लड़की हूँ और लड़की वो कर सकती है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो सब लोग हैं वो एक लड़की की ही वजह से हैं, तो प्लीज़ लड़की की रिस्पेक्ट कीजिए और लड़की का सम्मान कीजिए, क्योंकि अगर लड़की नहीं है तो आप लोग भी नहीं हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर संदेश, नारी जाति का सम्मान कीजिए, नारी नहीं तो इस सृष्टि नहीं। इस तरह के धार्मिक आयोजन चलते रहने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कारों के बारे में पता चल सके और इसे अपनाएं। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। अब है इस दर पे तेरा शीश जो गाना ही बहुत है, अब कहिए जय माता दी। जोत जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इतने दुखों
जो मांग